तो एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और मैं सेल्फ राकेश आपका इस चैनल पर। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज का, ये हमारा टॉपिक है जो सर्किट लॉज। इसमें हम देखेंगे कि ओम का नियम और किरचॉफ का नियम है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये परिपथ के नियम कहलाते हैं, और किसी भी परिपथ को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन दोनों में ये बेसिक एक इन दोनों में बेसिक है जो है अपना रेजिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के लिए जो है आर, ये हमारा बेसिक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है तो इसको देखने के लिए हम यहाँ से अब देखते हैं इसको आगे। तो यहाँ से हम देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर पढ़ना ज़रूरी है। रजिस्टर के लिए हम यहाँ ये देखते हैं कि रजिस्टर में कौन कौन से टर्म्स हैं, वो हमने देखने हैं। तो आज की जो टर्म्स रहेगी वो आपकी रहेगी रजिस्टर्स। ये जो NCERT का सिलेबस दिया गया है ये प्रीवियस है, और ये है जो लेफ्ट साइड में ओल्ड सिलेबस है और राइट साइड में न्यू सिलेबस है। तो सिलेबस को आप अच्छी तरह से देख लें। अब देखते हैं कि लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो, और एक बार टॉपिक को मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का टॉपिक जो हमारा है वो रहेगा आपका रेजिस्टेंस। तो इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि परिचय, तो आइए परिचय की शुरुआत करते हैं। तो परिचय जो है, परिचय जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है, यह प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि किसी चालक जो हमारे को पता है कि पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पे मटेरियल्स में आप देखेंगे तार केबल चालक। पढ़ने से तार केबल पढ़ने से पहले तो उसमें होता है चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक, कुचालक, अर्धचालक, ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिनमें से जो हम चालक की बात कर रहे हैं यहाँ। तो किसी भी पदार्थ में से जब विद्युत धारा गुजरती है तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली जो धारा उसका विरोध करता है, ये एक तरह का जो है गुण होता है। तो इनमें जो है, मैंने लास्ट जो क्लासेज ली हैं वहाँ पे विद्युत में आपने जो डेफिनेशंस में आपको करंट, एम्पीयर और वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में जो थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने किया है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, यानी कि DC AC सर्किट्स मशीन में सब जगह यही पाया जाता है। तो रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है R से, और इसको इस तरह से दिखाया जाता है, ये जिगजैग में, और एक ग्राफिकल सिंबल है इसका। और इसका कार्य है धारा को कम करना, धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करता है। और इसकी जो बनावट है, उसका जो रंग है, ऊपर से जो काला होता है या जैसे मतलब नीले रंग का भी होता है, ये मतलब ये कलर बैंड के आधार पर या ऐसे कुछ हैं, तो इनको हम आगे देखेंगे प्रतिरोध के प्रकार में। और इसकी जो यूनिट है, ये यूनिट आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, ये यूनिट है आपकी ओम, और जिसे ओम से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो प्रतिरोध के सूत्र को देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ चालकों प्रतिरोध जो होता है ये होता है, यानी कि विभवांतर और धारा का अनुपात। तो विभवांतर का जो है नोटेशन होता है, यहाँ पे विभवांतर को लिखते हैं V और धारा को लिखते हैं I। तो यहाँ इसका जो मात्रक हो जाता है, यानी कि ओम, तो ये इसका मात्रक है। और तो हम अब देखते हैं आगे, एक ओम की डेफिनेशन क्या होगी, कि जैसे एक जो है, यानी कि एक ओम के जो प्रतिरोध है उसमें से अगर 1 एम्पियर भी धारा प्रवाहित हो रही हो, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो कि विभवांतर होता है वो उत्पन्न होगा 1 वोल्ट। तो इसको अपन इस तरह से काउंट कर सकते हैं। बाकी ओम के नियम में हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो प्रतिरोध की डेफिनेशंस कई कई जगह, काफ़ी जगह अलग अलग आपको दी गई है। यानी कि मेन फैक्ट यही है कि प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए जो प्रतिरोधक जो प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, रजिस्टर अलग, रजिस्टेंस अलग था, और ये रजिस्टर है। ध्यान से शब्द को देख लीजिए, यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, और जो था वो पहले, इससे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, ये प्रतिरोध ये आपका है प्रतिरोध, तो इसको हम प्रतिरोध लिखते हैं। यहाँ पे हम इसको प्रतिरोध देखते हैं, तो ये आपका इस तरह से होता है, और ये आप जो हम देख रहे हैं ये प्रतिरोधक है। तो अब हम जो है आगे देखते हैं
कि ये प्रतिरोधक क्या होता है। तो ये प्रतिरोधक जो हैं ये अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं, जैसे चालक पदार्थ होते हैं तो उनमें से जैसे कोई मिश्र धातुओं के बने होते हैं, ये लगभग तो मिश्र धातुओं में आते हैं, यूरेका, मैंगनीज, जर्मन सिल्वर, कैंथल और नाइक्रोम, ये भी आते हैं, टंगस्टन है, कार्बन है, इस तरह से। तो इनके बारे में हम मटेरियल्स में ध्यान से पढ़ेंगे। अब एक दूसरा जो है इसी प्रतिरोध का जो है प्रतिरोधक जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। तो रियोस्टेट प्रतिरोधक तो क्या है, धारा को कम करता है। रियोस्टेट ऐसा है जिससे हम धारा को यानी कि सर्किट के बीच में जब इसको लगाते हैं तो धारा को कम भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। मेन फैक्ट यही है कि जो इसको मिनिमम मान पे रखेंगे तो ये धारा जो भी अधिकतम प्रवाहित होती है उसको हम कम ही करते हैं एक्चुअली। लेकिन ये क्या है कि ये बेलन के प्रकार पर, मतलब एक सिलेंडर पे एक और वायर वाउंड प्रकार का होता है, यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध है। इसका जो खास बात है ये एक परिवर्ती प्रतिरोध है, बाकी प्रतिरोध स्थिर होते हैं। तो परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि ये अस्थाई है और इसकी जो है यानी कि इसकी जो टर्म्स है वो कुछ ऐसे हैं कि बेल धातु गति करती है और इसके कॉन्टैक्ट्स को आगे पीछे खिसका सकते हैं, और इनका जो है ये आप रीडिंग यहाँ से देख सकते हो। तो मेन फैक्ट वही है कि रियोस्टेट से अपन जो है रेजिस्टेंस को कम करते हैं, धारा के मान में उसी अनुपात में कमी या वृद्धि होती रहती है। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशंस है कई जगह इस तरह से भी दी हुई है किसी पदार्थ, ये डेफिनेशंस आप प्रॉपर याद कर लीजिए यहाँ से, ये प्रॉपर आप यहाँ से डेफिनेशंस याद कर लीजिए। प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है ये आपका प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध जो है ये किसी पदार्थ का वह गुण जो कि परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से भी दर्शाया जाता है, इसकी इकाई ओम है। जब प्रतिरोध का मान कम हो, जैसे ये तीन चार टाइप से इसकी वैल्यूज लिखी होती है कि यहाँ पे जैसे जैसे आपको पता होगा मिली, माइक्रो और नैनो, ये नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि 10^-3, 10^-6 और 10^-9। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो बेसिक होती है जो 10 होती है, 10^ जैसे एक मान लो, 10^3 को बोलते हैं जो है यानी कि किलो, और यहाँ पे 10^6 को बोलते हैं मेगा, और 10^9 को बोलते हैं अपन वो जो नैनो, यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो ये माइनस वाली पावर है ये मिली माइक्रो नैनो है, और ये जो प्लस वाली पावर है ये किलो और मेगा है। तो ये बड़ी यूनिट्स होती हैं और वो आपकी छोटी यूनिट्स होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से आप कंफर्म ये याद रखें किलो और मेगा और सॉरी यहाँ पे ये किलो और ये मेगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रतिरोधक का मान अधिक होता है उसे किलो ओम में और मेगा ओम में लिखते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिरोध के नियम, यानी कि प्रतिरोध के कौन कौन से नियम होते हैं, यानी कि प्रतिरोध किस किस नियमों के आधार पर। तो सबसे पहले जो आपके प्रतिरोध है वो लंबाई का नियम है इसका, यानी कि लंबाई अनुसार क्या होता है इसमें। तो लंबाई के अनुसार चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मान लीजिए कोई तार है तो उस तार का जैसे मान के चलिए इस तरह का कोई तार है, तो अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए तार खींच के, सॉरी अगर इसके जैसे इसका प्रतिरोध आर होता है, अगर इसे 2 गुना लंबाई का तार कर लेंगे हम, तो सीधी सी बात है कि आर और आर ये आपका 2R हो जाएगा। तो यानी कि जितनी तार की लंबाई ज़्यादा होती है उतना ही प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। तो ये पदार्थ का प्रतिरोध यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है। तो हम इसको यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए जो ये तार है, जो जो ये तार होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है इस तरह से, अगर इसी के बदले अगर ना अपन पतला तार काम में लेते हैं, यानी कि ये मोटा तार ये वाला पतला तार, तो इसका जो प्रतिरोध होता है यानी कि पतले तार का, तो उससे एक ही पदार्थ के मान के चलिए 2, तो जैसे जैसे तार की मोटाई ज़्यादा होती है तो उसका प्रतिरोध कम होता जाता है, और यानी मोटाई यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे इसका प्रतिरोध हो जाएगा कम अधिक, यानी कि पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है
पतला तार जो है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और जो मोटा तार है उसका प्रतिरोध कम होता है। ये आप यहाँ से डेफिनेशंस में देख सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से नोट आउट कर लेंगे कि एंटी होता है किसका, अनुप्रस्थ का, क्षेत्रफल का। एक सबसे खास बात यहाँ पे यह भी दी हुई है कि जैसे जो चालक का प्रतिरोध है वो, अगर हम कंडक्टर जो है वो कॉपर का यूज कर रहे हैं और एक एल्यूमिनियम का, तो कॉपर वाले का मान जो प्रतिरोध का मान होता है वो ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम का होता है, सॉरी कॉपर वाले का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, और इसका होता है यानी कि अधिक एल्यूमिनियम का, तो कॉपर का होता है कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिसका प्रतिरोध कम होता है उसका एक गुण होता है कि मतलब जैसे प्रतिरोध का उल्टा गुण होता है चालक का, तो यह चालक अच्छा होता है, तो इसीलिए हम कॉपर को ज़्यादा काम में लेते हैं। अब देखिए तापमान पर भी निर्भर करता है, तो जो टेम्परेचर पर जो ये जो प्रतिरोध जो है यानी कि चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। इसको अगर आप समझना चाहें तो एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मतलब टॉपिक है, तो इसको अलग से हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा यही देखेंगे हम कि चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और यानी कि धातुओं का, और धातु चालकों धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल जो कुछ चालक जिसको बोलते हैं तो उनका जो प्रतिरोध है यानी कि तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध घट जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे धातुओं का प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि धातुएं यानी कि जैसे टेम्परेचर होगा तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है यानी कि अच्छी चालक हो जाती हैं, और इंसुलेटिंग पदार्थ का जो है बढ़ने का मतलब है कि वो उसकी जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है। तो इन सभी को एक यूनिफॉर्म में आप याद रखने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, कि यहाँ पे आप यहाँ से इस चीज़ को याद रख सकते हो, जो आपका फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला है इस तरह से, तो इसको हम देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो रो है ये कांस्टेंट कैसे आया, इस रो को कांस्टेंट को इस तरह से निकाला जाता है कि आर प्रोपोर्शनल एल, दूसरा पन्ने पर है आर प्रोपोर्शनल 1/a, तो यहाँ से इन दोनों को जॉइंट में लिखते हैं, तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अब दूसरा क्या है कि जैसे जैसे इसको हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है इस तरह का, तो ये आपका ये जो है इस फॉर्मूले में ये आपको यही समझाया गया है। तो यहाँ पे अल्फा जो है एक स्थिरांक है जो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है इसको हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध वह होता है कि जो इकाई घन में मतलब जैसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है इस तरह से, यानी कि ऊंचाई ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो इस तरह से क्यूबिक फॉर्म में जो भी है तो वो इस तरह से मतलब इसको डिफाइन किया जाता है। तो जो प्रतिरोध जो पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं इस विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, यानी कि प्रतिरोधकता इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। और यहाँ से हम इसको थोड़ा ठीक से देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और दूसरा होता है इसका गुण चालकता। यहाँ से देखिए चालकता क्या होती है कि जो पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसी का जो है यानी कि उल्टा गुण होता है, कि जैसे प्रतिरोध होता है रुकावट प्रदान करने वाला, और ये जो होता है ये धारा को प्रोत्साहित करता है, यानी कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो इसको हम देखते हैं कंडक्टेंस को जो है यानी कि इसकी जो प्रतिरोध के विलोम होता है ये, और इसका विलोम होगा तो प्रतिरोध का मात्रक होता था ओम, तो इसका होगा ओम माइनस, इसका मतलब होता है महो, इसका मतलब होता है महो, और इसको लिखा जाता है जैसे कंडक्टेंस होता है उसको आप सीधा याद रखें जी, जी से लिखा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सी से क्यों नहीं लिखा गया, तो वहाँ पे एक हमारे भाषा एक वर्ड होता है कैपेसिटर, उसको लिखा जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो है यानी कि जी का मान रेजिस्टेंस के विपरीत, तो आर जो है वो अपना इस तरह से होता है, यह भी हमने देख लिया, ये भी हमने यहाँ से नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जी का मान जो है अब इनके आपस में हम एंटी प्रोपोर्शनल में रिलेशंस वगैरह निकालते हैं, तो ये एक चीज़ निकल के आती है यहाँ पे, यहाँ से ये जो है आपकी विशिष्ट चालकता निकल के आती है। तो वो क्या होती है,
जो ये आपका होता है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट चालकता यूँ होती है, और ये एक वन अपॉन रो, तो ये इस तरह से होती है। तो ये जो है जैसे सिंपल सा आप देखें जी बराबर वन अपॉन आर, तो यहाँ से इन फॉर्मूलाज को आपको सबको याद नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि जी का मान आर का उल्टा होता है, तो यहाँ पे आर के टाइम पे जो पाया जाता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और यहाँ पे जो है यानी कि यहाँ पे पाई जा रही है चालकता, तो विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो और कई कई अलग अलग पदार्थों की चालकता आपको दी हुई होती है, तो वो आपको याद इतना याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोध के मान की निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध का मान किन किन पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले वही है, आपको ये फॉर्मूला देखा है मैंने, और ये लंबाई है जो मतलब अलग अलग नोट्स टाइप में आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे लंबाई लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, और जैसा कि अपन अभी अभी अपन ने समझा कि जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे इस तरह से, तो ग्राफ जो है इसका लीनियर होता है, ग्राफ लीनियर। अब हम दूसरा देखते हैं कि यहाँ जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके ये विपरीत होता है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो हमारा होता है उसका एक सूत्र होता है कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे हम इसको एक दूसरा तरीका और है नोट करने का कि यहाँ से हम क्षेत्रफल को इस तरह भी लिखते हैं कि पाई और डी स्क्वायर बटे 4। तो कई बार आपको यह भी देखने को मिल सकता है, और यह आपको यह भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो आर का मान यहाँ पे D/2 रखेंगे तो उस हिसाब से ये आप कर लोगे। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या है, चालक का क्षेत्रफल है, आर का मतलब आर की त्रिज्या है, और आर का मतलब आर की त्रिज्या, और यह आपका अनुप्रस्थ काट मोटाई का क्षेत्रफल, विशिष्ट प्रतिरोध ये आपने अभी देखा, ये और आर विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपने अभी देखा ये वाला होता है। और अब हम देखते हैं आगे टेम्परेचर, ये जो है समझने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्रतिरोध तापक्रम पर डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे क्या होता है, इसको डिपेंडेंसी अपन इस तरह से देखते हैं कि मान लीजिए किसी टेम्परेचर पर प्रतिरोध होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे 0 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उस पर R0 बोला जाता है, और कोई अदर टेम्परेचर होता है उस पर बोला जाता है RT। तो ये आपको यहाँ से देखना है कि 0 डिग्री पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, RT पर कुछ अलग होता है, तो इसको तो जो भी टेम्परेचर होगा फाइनल वो पहले वाले टेम्परेचर से कुछ बढ़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं ये जो टेम्परेचर के साथ में जो पहले वाले प्रतिरोध का जो है उसके साथ एक कॉपिशियंट आता है इस तरह से, इसको इसी को बोला जाता है एल्फा। तो ये आपका एल्फा कहलाता है, और एल्फा को क्या बोला जाता है, यानी कि एल्फा को बोला जाता है तापमान गुणांक, एल्फा को बोला जाता है, एल्फा को बोला जाता है आपका तापमान गुणांक। तो तापमान गुणांक को अपन इस तरह से देख सकते हैं, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, और ये आप इसमें आगे देख सकते हो ये विशिष्ट प्रतिरोध है। ये आपने अभी अभी देखा है, अभी एक तरह से हमारे साथ साथ रिविजन भी हो रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि एक जैसे मान के चलिए 1 यूनिट की लंबाई है, और अनुप्रस्थ काट जब क्षेत्रफल जब 1 हो तो प्रतिरोध जो होगा उसका वही उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी, वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। ये कैसे होता है इसको समझने के लिए आइए आगे देखते हैं कि जैसे मान के चलिए ये जो है जैसे आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो अब जो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि जैसे मान के चलिए 1 मीटर की लंबाई थी और 1 mm² जो है इसका क्षेत्रफल था, तो अब इसमें जो आपका जो है ओम का जो मान है, यानी कि इसमें जो 1 आएगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो आपका 1, यानी कि जो भी होगा तो 1 ओम का अगर आपका कंडक्टर वो है प्रतिरोध, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसको निकाल सकते हैं। अब इसका मात्रक कैसे क्या होता है, तो
मात्रा को समझने के लिए, जैसे इसमें देखो मात्रा का सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो मात्रा को देखने के लिए अपन इसके साइड में यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे ए का फॉर्मूला होता है, ए का मात्रा को होता है मीटर स्क्वायर मान के चलिए, और इसका होता है लंबाई का मीटर, और इसका होता है प्रतिरोध का ओम। तो यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ पे जो है मात्रक बचता है ओम मीटर। कुछ दूसरे मात्रक भी इसको होते हैं जैसे ओम सेंटीमीटर, ये भी इसका मात्रक होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध रो की निर्भरता किसके इस पर निर्भर करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको मतलब इम्पोर्टेंट यानी कि रेड लाइन में लगा दे रहा हूँ कि पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ किस प्रकार का है, चालक है और यानी कि कुचालक है जो भी है, तो इस तरह से तापमान पर यानी कि ये क्या है तापमान ए एल आर पर कभी निर्भर नहीं करती, क्योंकि पदार्थ का स्वभाव है यानी कि जो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध इन तीनों पर निर्भर नहीं करता है। धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे अधिक, अब ये स्पेशल टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि धातुओं का सबसे अधिक इसलिए होता है कि उनका प्रतिरोध न्यूनतम होता है, तो ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। अर्धचालकों का उच्च से कम और शुष्क चालक रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम देखते हैं कि जो है दूसरा जो प्रतिरोधक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला है कार्बन, कार्बन प्रतिरोधक यानी कि किस जो प्रतिरोध है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है, जैसे कार्बन है, कार्बन में भी जैसे फिल्म है या मतलब जो अंदर से जो पेस्ट होता है वो उस तरह से बना होता है, तो कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है। तो ये जो है कम ओम के लिए काम ले जाते हैं, एक ओम से कुछ ओम तक। अब इनका जो है यानी कि छोटे होते हैं ये सब, इस तरह से आप देख सकते हो, तो ये CFL के अडेप्टर में काम में लिए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे कार्बन के प्रतिरोधक ये दोनों, तो एक तो कलर बैंड वाले होते हैं और एक होते हैं आपके बॉडी वाले। तो कलर बैंड में जो है यहाँ पे कोटिंग होती है ऊपर, तो उसमें कलर उपस्थित होते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कलर बैंड के प्रतिरोधकों का जो है वैल्यू कैसे होती है, कैसे क्या निकाला जाता है। और इनमें जो है कलर बैंड में लीड्स यहाँ पर निकली होती हैं दोनों तरफ, और कलर बैंड चार होते हैं 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। यहाँ पे दूसरा जो प्रकार है वो बॉडी टाइप का है। बॉडी टाइप में क्या है, जो इसकी बॉडी है वो पूरी बार कार्बन की बनी होती है और उसके अगल बगल में लीड्स निकली हुई होती है। दूसरा जो है हमारा है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर देख नाम से, जैसे नाम से ही कन्फर्म पता चल रहा है, थर्मल यानी ताप, जो ताप पर काम करते हैं यानी कि तापमान पर निर्भर करते हैं। तो इनका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनका उपयोग किया जाता है। इनका ग्राफिकल सिंबल इस तरह से होता है। मेटल फिल्म प्रतिरोध, तो मेटल वाले का मतलब यह है कि इनमें धातु की फिल्म होती है, ये आप यहाँ देख सकते हो। और वायर वाउंड रजिस्टर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आजकल जो भी अपने जितने भी रजिस्टर ब्रॉड लेवल पर यूज हो रहे हैं, ब्रॉड लेवल पर जो भी रजिस्टेंस यूज हो रहे हैं वो सारे होते हैं वायर वाउंड रजिस्टेंस। तो आप इनको कन्फर्म याद रखें। अब इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, वो ब्रॉड लेवल पर सब जगह यूज हो रहा है, हीटर, इस्त्री, गीजर, विद्युत लैंप, विद्युत भट्टी वगैरह जो भी हैं। एक इसमें जो मेन फैक्ट है आप याद रख सकते हो, 1 वाट से और कई 100 वाट तक इनको बनाया जाता है। इनकी हाई वैल्यू होती है और ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह के होते हैं जो वायर वाउंड रजिस्टर होते हैं। एक बैलेंस होता है उसके ऊपर, ये वायर वाउंड यानी कि पतला तार लपेटा हुआ होता है। इसके अलावा अब जो है अलग से रजिस्टर जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो आपका है LDR है, मतलब जिसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। देखिए ये फुल फॉर्म जो है वो आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये आपको बार बार पूछी जा सकती है। रोशनी पर निर्भर करता है ये जो है, ये ताप पर निर्भर नहीं है, ये आपका है रोशनी पर यानी कि लाइट जैसे इम्पेक्ट होती है, यानी कि लाइट जो है ऐसे जाके पड़ती है रेजिस्टेंस पर, तो रेजिस्टेंस चालू हो जाता है, इस तरह से ये काम करता है। देखिए ये आपका इस तरह से इसके कंपोजिशन होती है, बना होता है VDR
जिसको देखिए, इसको आप एलईडी भी बोलते हैं अमन ज़्यादातर, तो इसको लाइट इंडिपेंडेंट रजिस्टर इसको वैसे बोला जाता है। और अगर आप ज़्यादातर जिन लोगों को पता नहीं है वो आपके एलईडी बोलते रहते हो, तो ये वास्तव में जो होते हैं ये एलडीआर और ये बताते होते हैं वीडीआर। ये होता है आपका वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। देखिए वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर की खास बात है, इस नाम से ही पता चल रहा है वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अब ये काम कहाँ आता है, क्या है जो इनका मतलब है कि ये मतलब अधिक वोल्टेज पर कम प्रतिरोध और कम पर मतलब इनका वेरिस्टर बोलता है। तो नाम आपको पूछ लिया जाता है कि वेरिस्टर क्या होता है, तो वेरिस्टर होता है वीडीआर यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। बस इस तरह से ये आपका टॉपिक हम एक बार और देखते हैं। एक बार फाइल से बाहर हो गए थे तो देखिए, अब हम देखते हैं आगे वाला टॉपिक प्रतिरोधक। जो हमारे प्रतिरोधक होते हैं वही तीन चार प्रतिरोधक के बारे में मैंने बताया है। तो कुछ जगह आपको ऐसे मिलेगा कार्बन फिल्म प्रतिरोधक इस प्रकार के होते हैं और एक ओम से कुछ ओम तक, तो ये इस तरह के होते हैं। वही हैं दोनों, जो एक होता है बैंड और एक होता है बॉडी टाइप। कार्बन कंपोजिशन जो होता है ये आपका होता है बॉडी टाइप, और मेटल फिल्म का रजिस्टर होता है वो आपका इस तरह से होता है। तो इसकी खास बात यही है कि जो मेटल फिल्म वाला है इसमें धातु कांच के मिश्रण का यूज़ किया जाता है और सिरामिक पर इसको लपेट दिया जाता है, तो इसको पकाया जाता है। इसके बाद में जैसे इसको यूज के लिए किया जाता है, तो वायर वाउंड रजिस्टर इसको आप याद ही रख सकते हो और सबसे ज़्यादा यूजफुल है। प्रतिरोधकों का वर्गीकरण है अगर हम वैसे देखें मान के आधार पर, तो इन कुछ को हम वैल्यू इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते, और इनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, बस यही फर्क है। तो इनको स्थिर प्रतिरोधक बोला जाता है और इनको बोला जाता है वेरिएबल। स्थिर प्रतिरोधक कुछ इस प्रकार के होते हैं और वेरिएबल जो हैं वो आपके इस प्रकार का है, जैसे इसमें अपन कलर वो चेंज कर सकते हैं। तो आपके जो भी जो हैं प्रतिरोधक वायर वाउंड वाले वो ज़्यादातर वेरिएबल होते हैं, ये आपके वेरिएबल होते हैं। तो ये आप अब हम प्रतिरोध पर कुछ कलर्स भी होते हैं, जैसे कलर कोडिंग कुछ रजिस्टर मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि कलर बैंड वाला रजिस्टर होता है, इसकी पहली पट्टी दूसरी पट्टी तीसरी और चौथी पट्टी, मतलब कुल इस प्रकार से चार पट्टी होती हैं। तो आप रजिस्टर के नेक्स्ट जो है वैल्यूज के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे।